बिहार के सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी गांव में मौजूद हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस गांव में क्यों मौजूद हैं और आपको क्या दिखाना चाहते हैं। दरअसल हम आपको एक मुखिया की कहानी बताना चाहते हैं। एक मुखिया अगर चाहे तो अपने गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल सकता है, इसकी एक वानगी आपको दिखाना चाहते हैं। सीतामढ़ी के सिंहवासिनी गांव में अब सड़क है, सोलर पैनल है, बिजली है, पुलिया है और दूसरी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा है ऋतु जायसवाल। एक पूर्व नौकरशाह की पत्नी ऋतु दिल्ली की हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल छोड़कर गांव आई, मुखिया बनी और पूरे गांव की सूरत ही बदल दी। बदलाव तो बात की बात है, सबसे पहले हमने अपनी जरूरतें पूरी की है। जरूरत थी यहाँ पे सड़क की, जो कि नहीं थी, कह सकते हैं कि सड़क विहीन पंचायत था। जरूरत थी बिजली की, कह सकते हैं कि बिजली विहीन पंचायत था। तो पहले हमने डेवलपमेंट तो बात की बात आती, पहले हमने अपनी जरूरतें पूरी की। ये सब करीब 4.5 साल में हुआ है। ऋतु ने न सिर्फ मुखिया की एक पारंपरिक छवि को तोड़ा है, बल्कि राजनीति में एक महिला के सामर्थ्य को लेकर प्रचलित धारणा को भी ध्वस्त किया है। आप सब मैम का देने पर, अभी मैम का देने रास्ता, जिसको हम यहाँ से चल के आए, वहाँ से जो भगवान पर जो टर्न मारे वहाँ से, पहले यहाँ कुछ नहीं था, पूरा जंगल वगैरह था, यहाँ कोई चलने वलने का लायक नहीं था। जब से मुखिया मतलब मैडम जी आए, तब से सब शुरू हुआ, सब चलना मतलब चालू हुआ अपना। काम ही कर दी है, आज तक कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। गली गली में रोड काम नहीं हुआ, कहीं ना कभी भी काम न हुआ। यहाँ बतौर मुखिया गांव के कायाकल्प करने के ऋतु के इस काम की गूंज दूर तक सुनाई दी है। उन्हें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी सम्मान मिल चुका है। इस बार बिहार चुनाव में वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतर पड़ी हैं। पॉलिटिक्स में भी अगर आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो पहले पंचायत में आए, वहाँ पे काम को समझे, क्योंकि गांव में आकर के मुझे समझ में आया, पंचायत में मुझे आके समझ में आया कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अमीन होता है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जमीन होता है। ABP News आपको रखे आगे।